नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ टमाटर से बने बहुत ही टेस्टी एक चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी, जिससे आप रोटी पराठे कुछ भी खा सकते हो। इतना टेस्टी लगता है कि आपको अलग से दाल या सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज की ये आसान और सबसे टेस्टी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 4 टमाटर। टमाटर आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और चाहिए हमें 1 इंच अदरक। तो चलिए शुरू करते रेसिपी। तो सबसे पहले हम टमाटर को रफली चॉप कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम लंबाई में पहले काट लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। टमाटर को मैंने स्लाइस में काट लिया है और अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। अब हम ले लेंगे एक चॉपर। आप चाहे तो मिक्सी के जार में भी इसे दरदरा पीस सकते हो, लेकिन फाइन पेस्ट हमें नहीं बनाना है, हल्का हमें दरदरा रखना है टमाटर को। अदरक डाल देंगे, साथ ही हम डालेंगे 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च को हम 2 टुकड़ा करके डालेंगे। मैं यहाँ पे 3 हरी मिर्च डाली हूँ, तीखा कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा। साथ ही हम डाल देंगे टमाटर और दरदरा हम टमाटर को पीस लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें टमाटर को क्रश करके ले लेना है। सबसे पहले हम पैन में डाल लेंगे 2 चम्मच तेल और तेल को पहले गरम कर लेंगे। तेल जैसे गरम हो जाए हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। गैस का फ्लेम बिल्कुल अभी हम लो पे रखेंगे। डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च, साथ ही हम 2 छोटे तेज पत्ते को तोड़ते हुए डाल देंगे। हल्का हम पहले फ्राई कर लेंगे और डालेंगे हम यहाँ पे 4 से 5 लहसुन के कली को चॉप करके। आप चाहे तो यहाँ पे ग्रेट करके भी डाल सकते हो। हल्का लहसुन के कलर चेंज हो जाने तक लो फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। लहसुन का कलर हल्का जैसे ही चेंज हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे टमाटर जो हमने पीस के रखे थे। साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। डालेंगे हम 1/4 चम्मच हल्दी और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करके 4 से 5 मिनट टमाटर को भूनेंगे, जब तक टमाटर हमारा हल्का ड्राई ना हो जाए। और आप देख सकते हो इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी है, तो इसके ड्राई हो जाने तक हमें लगातार चलाते हुए टमाटर को भून लेना है। 5 मिनट लगता है इसे बनाने में, लेकिन रोटी पराठे के साथ अगर आप खाएंगे ना, अलग से आपको सब्जी या दाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार आप मेरे कहने पे ज़रूर बना के देखिएगा। तीखे के लिए हमने यहाँ पे हरी मिर्च का यूज़ किया है और सिर्फ कलर के लिए हम यहाँ पे डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। हरी मिर्च कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा, जैसा आपको चटनी तीखा पसंद हो। 2 मिनट हो गए हमें टमाटर को भूनते हुए, 2 से 3 मिनट और हम भूनेंगे। टमाटर को भूनते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो गए और जो टमाटर में एक्स्ट्रा पानी था ना, आप देख सकते हो पूरी तरीके से ड्राई हो गया है। टमाटर को इससे ज़्यादा और ड्राई नहीं करेंगे। तो तैयार हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी तीखी वाली टमाटर की चटनी। देख के किस किस के मुंह में पानी आ रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और डालेंगे हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। धनिया डाल के मिक्स कर लेंगे और चटनी को हम सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, रोटी पराठे के साथ इस चटनी को खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। रेसिपी बनाने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।